जेल में हुई थी पेशकश, मान लेता तो पहले ही गिर जाती एमवीए सरकार, अनिल देशमुख का दावा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को सनसनीखेज दावा किया है। देशमुख ने कहा कि उन्हें जेल में ऐसा प्रस्ताव मिला था जिसे अगर मान लेता तो महाविकास अघाड़ी की नेतृत्व वाली सरकार काफी पहले ही गिर गई होती। मालूम हो कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 महीने से जेल में बंद हैं और वह जमानत पर बाहर हैं। देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पिछले साल 28 दिसंबर को जमानत पर रिहा किया गया। देशमुख ने वर्धा के सेवाग्राम में नदी व वन संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली ग्राम सभाओं के गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक वन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मुझे जेल में प्रस्ताव मिला था जिसे मैंने खारिज कर दिया। अगर मैं समझौता कर लेता तो महाविकास अघाड़ी की नेतृत्व वाली सरकार 2.5 साल पहले ही गिर गई होती, लेकिन मैं न्याय में विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने रिहा होने का इंतजार किया। अनिल देशमुख ने जेल से रिहा होने के बाद 15 महीने में पहली बार शनिवार को अपने गृह नगर नागपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। नागपुर हवाई अड्डा देशमुख के पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर 100 करोड़ रुपए का आरोप है, लेकिन आरोप पत्र में यह राशि 1.71 करोड़ रुपए बताई गई है। जांच एजेंसी 1.71 करोड़ रुपए का भी साक्ष्य पेश करने में नाकाम रही। देशमुख ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने पाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने भी देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन वह आरोपों की जाँच के लिए गठित चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए।